नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 स्पेशल में। आज हम बात करेंगे पहले T20 मैच का। भाई साहब, क्या जबरदस्त मैच हुआ। तो पहले हम बात कर लेते पॉजिटिव पॉइंट्स के, उसके बाद लेना शुरू करेंगे। ऋषभ पंत पहली बार इंडिया की कैप्टनसी कर रहे थे और हमको उम्मीदें बिल्कुल वैसी थी जैसे दिल्ली की कैप्टनसी कर रहे थे। भाई ओपनिंग करने उतरे हमारा ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों एकदम नए नवेले। हालांकि ईशान किशन तो कुछ रन पहले ही दिखा चुके थे, पहले बिल्कुल स्लो खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब बैट और बॉल का बिल्कुल संपर्क ही नहीं हो रहा था, मतलब कि कभी इधर लग के उधर चौका जा रहा है, कभी उधर मारने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे चला जा रहा है फिर भी चौका चला जा रहा है। लेकिन बाद में भाई साहब जो ले पकड़ा है ईशान किशन ने, जो कुटाई की है भाई, जो कुटाई की है एकदम मजा आया ऐसा भी। इस बारे में सब कुछ देखने को मिला, ईशानदार किशन, हार्ड हिटिंग पांड्या, ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, सब कुछ देखने को मिला भाई। इतना ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग किया आप भाई, वो पुराने दिन वाले हार्दिक पांड्या हमको याद आ गए, मतलब कि वो पुराने वाले पांड्या हमको वापस देखने को मिले। सब कुछ सही चल रहा होता है। पावर प्ले के अंदर भुवनेश्वर कुमार का जैसे ही रिकॉर्ड है पहले से पावर प्ले के अंदर विकेट लेना, वैसे ही वो जब बॉलिंग करने आए तो टेम्बा बबूमा को आउट किए और सब कुछ सही चल रहा था। वहां से एक हमारा लेजेंडरी बैट्समैन आते हैं ड्वेन प्रिटोरियस भाई, उसने आके जो हड़कम मचाया है क्या प्याला है भाई। हार्दिक पांड्या को एक ओवर में 3 छक्के, एक बार को तो हार्दिक पांड्या भी देख के अप्रिशिएट कर रहे थे भाई क्या छक्का मारा, और ऐसे शॉट्स मार रहे थे भाई एकदम से कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसा लग रहा था कि एकदम एक प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग करने आया हो। उसके बाद में आते हैं हमारे पर्पल पटेल यानी हर्षल पटेल, और एक यॉर्कर बॉल पे उनको आउट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं भैया साउथ अफ्रीका के रॉसी बांदोर थॉमसेना। राशि वंडर डुसेन भाई क्या जब का नाम होता है यार, ये जिंदगी में कभी सुना नहीं था, राशि वंडर डुसेन। ओ भाई इसका सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन फिर हमारा श्रेयस अय्यर भाई उसका कैच छोड़ देते हैं, वहां से अपना रंग दिखाने शुरू कर देते हैं भाई। ऐसे कुटाई दोनों मिलके डेविड मिलर और ये अपना राशि वंडर डुसेन मिलके जो कुटाई किया ना भाई, मजा आया भाई साहब। ये 211 का टारगेट T20 में कुछ कम नहीं हो गया साउथ अफ्रीका के सामने भाई? हमारे इंडिया बॉलरों के लिए ये थोड़ा कम स्कोर नहीं हो गया? उनको तो 400-500 होना चाहिए था टारगेट ना डिफेंड करने को। आर यू कॉमेडी मी? अबे इंडिया वाले बॉलर हूँ, तुम सबको डिफेंड करने के लिए T20 में 400-500 चाहिए था क्या? 211 कभी डिफेंड नहीं, कभी चेस नहीं होता भाई, वो रिकॉर्ड भी इन लोग बना दिए साउथ अफ्रीका वाले। और भाई अपना इंडिया वालों का भी कुछ अलग ही रिकॉर्ड है, इन लोग जिसको हराते हैं उसको हराते ही रहते हैं और जिनसे हारते हैं उनसे हारते ही जाते हैं। पता नहीं भाई इन लोगों का साउथ अफ्रीका को देख के कौन सा कन्नर भगत से मैं इधर-उधर निकल जाता हूं। कभी भी साउथ अफ्रीका इनके सामने आते हैं ना तो भाई अच्छा खासा पेल के जाते हैं, चाहे वो टेस्ट मैच कहो या फिर ओडीआई कहो। साउथ अफ्रीका में जाके तो इन लोग कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो ये इंडिया आके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई। और ये बीसीसीआई वाले तो भाई ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे साउथ अफ्रीका नहीं कोई जिम्बाब्वे की टीम खेलने आ रहे हैं हमारे देश। भूल गए क्या वो दिन जब साउथ अफ्रीका अपना घर बुला के कैसे बेइज्जती करती थी टेस्ट मैच में? भाई साहब हमको बदला चाहिए बदला, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे जिम्बाब्वे की टीम आ रही है और सारे सीनियर्स खिलाड़ी को रेस्ट कर दिए, रेस्ट पे भेज दिए और पूरे बच्चों को वहां पे भेज दिए भाई खेलने। भाई साहब एक रिकॉर्ड हमारा बनते बनते टूट गए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता 13 मैच बैक टू बैक जीतने का भाई, वो मैच भी वो रिकॉर्ड भी बनने नहीं दिए। और भाई कैप्टेंसी की तो क्या ही बात करें, यूजी भाई को ले आए पावर प्ले में और उनको अच्छा खासा कुटाई हो गया। जब कुटाई हो गया तो पंत को लगा भाई इसको तो आज पेलेंगे, उसको और बॉलिंग ही नहीं दिए भाई। एक बार तो पावर प्ले के बाद उसको बॉलिंग देख लेते, क्या पता भाई विकेट वगैरह ले लेता भाई। इस ऋषभ पंत में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग दिल्ली के फैंस हैं, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, ऋषभ पंत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सामने वाला बंदा जब कुटाई शुरू कर देता है ना भाई तो इसका हक्का पक्का सारे बंद हो जाता है
भाई उसके बाद इसका दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो जाता है, उसके बाद ये एकदम से उड़पटांग हरकतें करता है। भाई युजवेंद्र चहल का अगर आप ओवर समाप्त अगर खत्म नहीं करेंगे तो मतलब मैच का क्या मतलब रहा यार। भाई पावर प्ले में कुटाई खाया, लेकिन वो पावर प्ले था ना, उसके बाद उसको एक एक दो ओवर मिडिल ओवर में अगर उसको दे के देखता, उसके बाद बंदा क्या करता, वो रियल टैलेंट उसमें दिखता है यार। साउथ अफ्रीका ने एकदम कहर मचा दिया भाई, जब से राशि वांडर डुसेन और अपना डेविड मिलर जब से बैटिंग करने आया भाई, ताबड़तोड़ तरीके से, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि भारत इस मैच में वापसी कर रहा हो। तो भाई एक तरफा मैच हुआ, 211 का 212 का टारगेट देके भी अगर कोई टीम चेस कर जाती है तो वो भी इंडिया के सामने, तो भाई ये कुछ हजम करने वाली बात नहीं है, 2 4 दिन तक दिमाग में घूमते रहेगी। अगर अगला मैच जीते तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, जिस जगह जीतना चाहिए था उस जगह जीतना चाहिए था मैच। अगर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता ना तो एक अलग ही फील आता। तो ठीक है भाई, सपोर्ट करते रहेंगे अपनी इंडिया टीम को, अगली बार कटक में है हमारे, ओडिशा कटक में, तो आप सबका सपोर्ट रहना चाहिए इंडिया टीम के लिए, मेरा भी सपोर्ट है। और जब गलती करेंगे तो भाई क्रिटिसाइज तो करेंगे ही ऐसे, और जब अच्छा करेंगे तो उसका तारीफ भी करेंगे। तारीफ हम किए, ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा बैटिंग किया भाई, जिस टाइम पे जैसे जरूरत थी वैसे बैटिंग किए। और अपना ईशान किशन, ईशान ईशान शानदार, उसके लिए क्या बोला जाता है, ई शानदार किशन। और अपना हार्ड हिटिंग पांड्या, सारे भी अपने हिसाब से खेले, सब कुछ देखने को मिला। बस इंडिया अगर जीत जाती तो और खुशी एकदम डबल हो जाती। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।